लांगे काप रही है लास्ट टाइम मैं बोल दो ब्लॉग में अगर हम जिंदा रहे तो आएंगे। हे फैमिली कैसे हो आप सब। सो आज है हमारा दुबई में लास्ट डे। इधर फरारी वर्ल्ड है जहाँ पे सबसे फास्ट रोलर कोस्टर है। तो हमारा तो वैसे कोई प्लान है नहीं बैठने का क्योंकि इधर स्काई डाइविंग भी है इंडोर एंड रोलर कोस्टर फास्टेस्ट। तो अभी तो कोई प्लान नहीं है क्योंकि हम दोनों ही बहुत ज़्यादा डरते हैं। क्या जाओगे आज? क्यों बिल्कुल नहीं किसी राइड पर नहीं? वो तो वहाँ जाके पता चलेगा। देखो मेरा तो बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं है क्योंकि मैं तो सर घूमने लगता है कार में ही। दोनों की सेम हालत है वैसे। तो अभी जाके पहले कुछ खाएंगे देन राइड पे जाएंगे क्योंकि जिससे कि जो खाया है वो बाहर आ सके। ऑल्सो गाइस अगर हमने आपको अपनी आइस दिखा दी ना तो हो सकता है कि आप बोलो कि भाई जाके पहले सो जाओ। दिखा आपकी ज़्यादा आई बैग्स हैं? दिखाना मतलब नींद में लग रहे हैं। दिखाओ आप दिखाओ दिखाओ ना मैम प्लीज मैम प्लीज। अभी हमें पता चला है जिसके अभी हम जा रहे हैं फरारी वर्ल्ड के अंदर ही है। मतलब यहीं से हमने स्टार्ट किया था और यहीं पे आगे ख़त्म हुआ है। सारा मॉल घूम के आगे हमें हमारी टिकट तो मिल गई लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई कि खुशी को लगेज नहीं ले जाने दिया। तो हमें यहीं सारा सामान इधर उधर करना पड़ेगा। लगेज में कुछ इंपॉर्टेंट सामान भी जो हमें लेके जाना है तो हम नॉर्मल हैंड बैग में डालेंगे वो सामान। वैसे देखो आप मन तो कर रहा है अंदर जाके बैठ जाऊँ लेकिन मैं आपको बाहर से दिखा पाऊंगा। ये वन सीटर कार है और इसे देख के ऐसे ही चेहरे पे स्माइल आ रही है। कौन सी कार है? फरारी के अलावा बताना। फरारी नाम नहीं भाई वांटेड मेक सेंस फरारी वर्ल्ड में है दैट वुड बी द बेस्ट बेस्ट। फरारी का कौन सा वो देशी? ओ एक और दिखाता हूँ आपको। कौन सी अच्छी लगी? U1 लास्ट वाली ना। पे पता है आपको वो भी कर सकते हैं रेसिंग भी होती है। रेसिंग करनी है आपको? शिकोर मुझे करना है लंच क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रहे हैं भूख यार। ये कितना अच्छा लग रहा है। काश ये मामा रोजेला होता हमारा कैफे जहाँ हमें लंच करना है। क्या खाना है अब हमारा टास्क रहेगा सिर्फ ये हमें देखना है वेज कहाँ मिलेगा। और यहाँ जैसे ऑप्शंस लग रहे हैं काफ़ी मुझे। आटो खाना है I'll have margarita, hummus. यहाँ काफ़ी ऑप्शन है गाइस। सेल्फ सर्विस है तो ऐसे तो हम बिल बिना बिल के भी ले सकते हैं ना। अपनी हाथ से भी ले। इट्स माय टर्न वेट फॉर चॉकलेट चिकन वेट फॉर चिकन। देखो मेकअप डन हो गया कि नहीं। पहली बार आज 5 मिनट में मेकअप कर लिया सारा। मेरा ये बेसिक पता नहीं कैसे रेगुलर होता है ये। चलो अभी खुद का साइड चेहरा ले लो। ध्यान रखना भाई ध्यान रखना ठीक है। अकल नहीं है भाई ठीक है थोड़ी दिमाग की। भाई खुशी का शूट दूसरी साइड है मेरा दूसरी साइड है तो हमें थोड़ा थोड़े टाइम अलग रहना पड़ेगा। हाँ सर शूट करने से ही मना कर दिया। शायद बीच के पास जाएंगे या कहाँ जाएंगे आई डोंट नो। ऐसी लोकेशन है तो हम अपने बैग के साथ बैठा हूँ। अभी शूट होगा मेरा। काफ़ी बोरिंग डे जा रहा है। सो गाइस फाइनली 3 दिन के बाद हमारा शूट कंप्लीट हुआ और मीट सचिन। मैं तो इनकी शूट का काम नहीं कर रहा था। 3 दिन से बैग लेके घूम रहा हूँ मैं। कभी पता चलता है कि आज भी शूट है आज शाम को शूट है आज रात को शूट है बट फाइनली हो गया। शूट तो कंप्लीट हो गया और हम रिटर्न फरारी वर्ल्ड में आए हैं लेकिन अभी तक खुशी नहीं आए। उनका शूट थोड़ा लेट हो गया। वैसे राइड्स तो मुश्किल ही है क्योंकि खुशी मुझसे ज़्यादा डरते हैं तो ना खुशी करेंगे ना मैं करूँगा। देखते हैं अभी क्या करेंगे। बोर होंगे तो उन्हें बैठ के आराम से देखते। कोई छोटी राइड हो जाए तो ज़रूर करूँगा। मतलब राइड नहीं जैसे रेसिंग वगैरह ये कर सकता हूँ। ये सब जबरदस्ती में रोलर कोस्टर पे लेके जा रहे हैं लेकिन मुझे नहीं जाना। अभी खुशी भी नहीं आए और मेरा डर और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बाय मिलते हैं यहीं पे। हिम्मत नहीं जुटा पाया गाइस। बहुत खतरनाक राइड है। इनमें से एक ऐसा बंदा भी है जो आज तक नहीं गया लेकिन उसने हिम्मत की बट मेरे में हिम्मत भी नहीं हो रही।
सो सैड कि लोग बहुत बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा मज़ा आया, अब सेकंड राइड पे जा रहे हैं, लेकिन मेरी हिम्मत अभी भी नहीं है। मैंने अभी इनसे पूछा कि यहाँ पे सबसे इजी राइड कौन सी है, तो पता उन्होंने कौन सी बोली है। अभी आपको दिखाता हूँ कौन सी। गाइस ये आपको एक नॉर्मल राइड लग रही होगी, लेकिन मेरे लिए एक ट्रॉमा है, एक मौत है, मैं इसे नहीं कर सकता। ये मुझे लेके आए दिखाने के लिए कि एक बार करके ट्राई कर। जो मेरे साथ थे वो चले गए दूसरी जगह, और जो उधर साइड थे वो आ रहे इधर, मतलब खुशी जिस ग्रुप के साथ थे वो अब इधर आ रहे हैं। अब सब राइड करेंगे, अब हम दोनों बोर होंगे, पहले मैं अकेला बोर हो रहा था। फाइनली फाइनली मिल रहे हम गाइस, देखो खुशी मुझे छोड़ के चले गए थे। देखो भाई रो रहा था, मैं बैठा हुआ तब से एक कोने में बैठा हुआ, मैं तो बहुत टायर्ड हूँ, तब भी स्टिल आई एम सेइंग बिकॉज़ दीस पीपल आर सेइंग कि चलो वहाँ चलते हैं राइड्स करने, एंड कुणाल को डर लग रहा है, और मैं कुणाल से ज़्यादा डर रही हूँ, एंड दिस डजंट मेक एनी सेंस बिकॉज मैं कुणाल से ज़्यादा डरती हूँ, आई एम कुणाल से ज़्यादा टायर्ड अभी बिकॉज ही यू हैव नो आइडिया हम कहाँ कहाँ चले इतनी ऊँची हील्स कर रही है। यू हैव नो आइडिया मैं जस्ट भाई मेरे में हिम्मत ही नहीं है। लेकिन देखो गाइस मैं अभी बता रहा हूँ मेरे से राइड्स नहीं हो पाएंगे, मैं पहले उनसे बचाऊं, इन्होंने पता इतना फोर्स कर खींच के लेके वहां बहुत ट्रैफिक हुई ना, मैं भी कदम पीछे कर लूंगी। आज मेरा मन कर रहा है पहली बार, फर्स्ट ऑफ ऑल और मन कर रहा है सबसे खतरनाक राइड करने का, सबसे फास्टेस्ट राइड है। व्हाट आई एम सेइंग ए बिकॉज़ वी आर इन अबू धाबी, डजंट मेक एनी सेंस कि हम ये अबू धाबी अपने से फेमस है, आपको पता है। मैं तो तब से बोर हो गया, मैंने सोचा मैं बोर हो जाऊंगा लेकिन ये नहीं करूंगा। फास्टेस्ट रोलर कोस्टर, अब खुशी जीतती है तो जीतती, जीतती खुशी तो जीतती वाली आगे नहीं करेगी। पार्टी भी सब कुछ याद आएगा, सब में सब सब मेरी जबान में लड़खला दिया नहीं है ना। यस यू आर राइट, हम यहीं पर रुकते हैं, इनको देखेंगे। वी आर वेटिंग फॉर यू पीपल नाउ। ओके गाइस गाइस ये बहुत ऐसे ऊपर नीचे ऊपर जाएगा, नहीं बहुत तो मैं लटक जाऊंगी, नहीं कुछ नहीं होता। आई एम नॉट गोइंग यार, आई एम नॉट गोइंग, ये क्या आया था व्लॉग, जाओ मुझे लग रहा है कि नहीं 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 चलो चलो। आई एम शिवरिंग राइट नाउ, नो नो हार्ट बीट चेक कर सकते हैं यहाँ पे। चलो लास्ट टाइम मैं बोल दो व्लॉग में अगर हम जिंदा रहे तो आएंगे। डेस्टिनेशन पूरा सेम है, कैमरा में सबमिट कर रहा हूँ। टांगे कांप रही है लेकिन मैं ऊपर हवा में जब नीचे आ रहा था तब डर लग रहा पहले वाला था ना, हार्ट बीट बढ़ रही है बहुत तेज बढ़ रही है लेकिन मजा आ रहा है। मेरी टांगे भी कांप रही है, लेकिन ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। अब थोड़ी टांगे कांपना ठीक हुई है, मैं भाग सकता हूँ। अब जा रहे हैं सेकंड राइड करने, राइड जो मैं आपको दिखा रहा था सेकंड टाइम में टर्बो वाली है वाली, ये वाली राइड करने जा रहा हूँ अभी। सीधी जाती है और फ्री फॉल होता है नीचे, इतनी स्पीड से जाता है क्या बताऊँ, एकदम से दिखाया मैंने इन्हें, पहले दिखाया इन्हें मैंने जब नहीं कर रहा तब बैठ के यहीं बैठ के बोर हुआ मुझसे पहले बैठ सारा बोर हुआ मैं बैठ के। हम जा रहे हैं ये वाली कार राइड करने, काफ़ी क्यूट राइड होने वाली है। सी बर्फ के बीच में मैंने दिखाया वैसे सब। हमारा टर्न आने वाला है, हाँ आप राइड करना। चलो खुशी कहीं तो राइड कर पाएंगे, इसमें भी तो एक्सीडेंट नहीं कर दोगे। नो राइड कार, नाइस यार, पूरे पैर खोलने के लिए भी सो सो सकते हैं। तो देखो ये सपना ही पूरा कर दिया मैंने फरारी चलाने का। खुशी के अंदर दिमाग की कमी है, ठीक है अभी खुशी को लग रहा है खुशी ड्राइव कर रहे हैं, देखो बच्चों को दे देते मैं कर रही हूं। चलो जल्दी से सही से करो सही, हां हां ये सी छोड़ना, आप हैंडल छोड़ दो अपने आप चलो, आ जाओ पीछे आ जाओ, अभी भी चल रहे पागल बना रहे हैं, बोल रहे हैं आपको चार डक निकालनी है इसलिए निकल जाएगी, जो पॉइंट का नंबर आएगा
उसमें से वो प्राइस देंगे, मतलब सब में प्राइस है। और वो उसमें पता है वो खेलने का प्राइस क्या है, 40 दिरहम है, अराउंड 1000 रुपीज़ लगा लो, 900,000 रुपीज़ का एक छोटा सा प्राइस देंगे। सब कुछ कर लिया, अब बस घर जाने का टाइम आ गया। मुझे भी हमारे याद है कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं कर पाए क्योंकि हमारी कैब नीचे आ गई। अभी हमें कुछ खाने का लेना है बस, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, और फिर होटल जा रहे हैं सीधा, क्योंकि सुबह हमें हमारी 11 बजे की फ़्लाइट है। फिर खाने का ऑर्डर किया है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। खुशी बाउर बाकी सब कैब में चले गए क्योंकि कैब बहुत टाइम से वेट कर रही थी। जा रहे हैं होटल में, अभी थोड़ा लाइट खाए, बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक। आज खुशी की, कल खुशी को चाय नहीं मिली, तो आज खुशी की चाय पीने चलेंगे। पहले चाय कितने की मिनट, रात को चाय नहीं पीते, एसिडिटी होती है। सबसे पहले उठ के चाय पीते हैं सोने से पहले। अब बॉडी को भी पता चल गया कोई हेल्दी चीज़ है। काफ़ी रात होगी वैसे, लेकिन हमें सोना मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो मुझे नहीं पता। मुझे एक अपनी बॉस की हुडी का भी स्वेट शर्ट का भी शूट करना था, बट वो नहीं हो पा रहा यहाँ पे। मुझे मेरा बहुत मन था, ब्रांड शूट से ही फुर्सत नहीं मिल रही है, क्योंकि मैं लेके आया था यार स्वेट शर्ट, ट्राई करूँगा कि हो जाए। और बाकी आपने वो आपने कब ट्राई करेंगे, अभी इट्स ऑलरेडी 2:00, हमारी फ्लाइट है 11:00 की, एटलीस्ट टू लीस्ट हमें निकलना पड़ेगा 7 या 8 o'clock। यस, और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा कुछ खुशी के लिए चाय मिल जाए और कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि पेट में भूख लगी है। और गाइज आप कमेंट करके बताओ कि आपने हुडी परचेस की नहीं की अभी तक, और कैसी लगी आपको, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें तो भी बताओ। यस, और हम चाय पीने चले। मुझे यहाँ लगी हम दुबई में आए, ऐसा लग रहा है इंडिया में आए। खुशी खाने की चीज़ देखने जल्दी चलो आगे। चाय वाले अंकल, उनको उनसे पूछा चाय है, बोले कड़ा है, कहते पहले नहीं है। मैंने कहा अच्छा, फिर हमने कहा कहाँ मिलेगा, कहते पीछे, कहते आपको यहाँ मिलेगी लेकिन कड़क चाय मिलेगी, मतलब ऐसे कि हमको बेकार चाय पीने। उसमें ऐसे ही है जो ऐसे करता है वो वीडियो में, पता नहीं क्या क्या ले लिया। मैंने तो बिस्किट लिया है अपना फूटो वाला, चाय के साथ पेट भरूंगा भूख लगेगा। चॉकलेट लगी गाइस, देख लो आप ऐसी ब्लैक वाली, अगर मिल गई तो उसे। मैंने अभी भी बोला है खुशी को भाई ले रहे हो उसके लिए ना, ये नहीं कि रास्ते में खा जाओ। ये तो मिल गई लेकिन यहाँ हम इंडिया से बाहर नहीं जा पा रहे, ज़्यादा बातें नहीं कर सकते, कॉपीराइट जाएगा भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, सो अभी बजे हैं सुबह के 8 और हम अभी जल्दी जल्दी रेडी होके ब्रेकफास्ट करना है, क्योंकि हमें निकलना है एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि यार आज हमारा लास्ट डे था और 11:00 की फ़्लाइट है, और हम आज डिले नहीं कर सकते। हमने सोचा पहले थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि टैक्सी आने वाली है और ना नींद पूरी हुई है, 2 घंटे सोए हैं सिर्फ। अभी एक और प्रॉब्लम आ गई, हमारी जो टैक्सी थी वो 8:00 की थी और अभी 8:30 हो गए, तो बोल रहे हैं कि आपको 9:00 तक का वेट करना पड़ेगा। टैक्सी तो आ गई चलो, क्योंकि एक बार को तो लगा था मुझे कि आज एयरपोर्ट के लिए भी लेट होंगे। सर यहाँ पर चेकिंग तो बिल्कुल भी है ही नहीं, मतलब यहाँ आओ सीधा एंट्री कर लो एयरपोर्ट में, चेकिंग ही नहीं है बिल्कुल। अभी हमें वेट करना होगा कहीं खड़े होके, कहाँ सब कुछ आना था आज इंडिया। हाँ काफ़ी जल्दी हमने चेक इन कर लिया, क्योंकि फास्ट है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे कोई चेकिंग ज़्यादा नहीं होती, होती है मतलब ऐसे नहीं होती, सिक्योरिटी वगैरह इतनी टाइट नहीं है, बैग का भी सारा सामान निकालना पड़ा, उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा हमें यहाँ वेट करना होगा जैसे दिल्ली मेट्रो में करते हैं। अभी यहाँ मेट्रो आएगी और तब हम मेन जो उनका एयरपोर्ट है वहाँ पे पहुँचेंगे। जाऊंगा यही बोलना था। शॉपिंग करके लेके आए हैं, ये सब हम दुबई से लेके आए हैं, और फाइनली हम दिल्ली आ चुके, अपने देश में आ चुके दिल्ली में। अभी इतने दिन जाके थकावट होती बहुत ज़्यादा। और हुडीज़ का भी मुझे बताना कैसी लगी आपको, और जो भी स्टोरी डालो मुझे टैग ज़रूर करना। और मैं ब्लॉग यहीं एंड कर रहा हूँ, क्योंकि अब जाके सोऊंगा मैं, और खुशी भी रास्ते में ड्रॉप हो जाएंगे। तो चलो बाय बाय।